हेलो दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप गूगल क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे पीसी पे और आप चाहते हो उसका बैकग्राउंड चेंज करना तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरे गूगल क्रोम का बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट है, तो यहाँ पे मैं एक अट्रैक्टिव इमेज लगा के दिखाऊंगा। दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो बिल्कुल आपकी भी कोई रिक्वेस्ट होगी तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को, मैं ऐसे हेल्पिंग वीडियोज आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके सामने गूगल क्रोम का ब्राउजर ओपन कर दिया है और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो सामने आपके सिर्फ गूगल क्रोम वाइट दिख रहा है, तो मैं आपके सामने ही एक अट्रैक्टिव इमेज यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को बिल्कुल अपडेट करना है। अगर आपने अपडेट नहीं किया होगा तो बिल्कुल यहाँ पे तीन डॉट दिखेंगे जिसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे हेल्प में जाइए और अबाउट गूगल क्रोम का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मेरा गूगल क्रोम इज अप टू डेट। अगर आपका अपडेट नहीं होगा तो बिल्कुल यहाँ पे अपडेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपका कंप्यूटर लैपटॉप बिल्कुल इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि आपका गूगल क्रोम ब्राउजर अब अपडेटेड है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा हमें तीन डॉट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे जाना है हमें सेटिंग्स में। जैसे हम सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे थीम के नीचे ओपन क्रोम वेब स्टोर है, तो बिल्कुल इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे बिल्कुल आप क्रोम के वेब स्टोर में जाओगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड इमेजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हो और बिल्कुल उससे आप आपके गूगल क्रोम ब्राउजर का बैकग्राउंड रख सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमेजेस देखने तो बिल्कुल यहाँ पे व्यू ऑल का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एडिटर पिक्स है, तो यहाँ पे व्यू ऑल करोगे तो बिल्कुल एडिटर पिक्स के सारे कुछ इमेजेस आपको शो होंगे। जैसे ही आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखिए अगर आपको प्लेसेस के बारे में इमेज चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस दिए गए हैं और व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो और भी इमेजेस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको मान लीजिए कि एक इमेज सेट करके दिखा देता हूँ, ये इमेज मुझे सेट करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए ऐड टू क्रोम का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए चेकिंग हो रहा है और बिल्कुल कुछ ही सेकेंड्स में ये इमेज मेरे ब्राउजर का बिल्कुल डिफॉल्ट इमेज बन जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये इमेज बन चुका है, एडेड टू क्रोम आ चुका है और यहाँ पे मैं नया पेज ओपन करूँगा तो बिल्कुल आप यहाँ पे वो इमेज देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप गूगल क्रोम में बिल्कुल बैकग्राउंड इमेजेस को चेंज कर सकते हो और आपको जो पसंद है वो लगा सकते हो। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था जो मैंने आपके लिए बनाया है। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट होगी तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए रोजाना लाते रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।